हेलो दोस्तों, अगर आप एक एडिटर है और पिक्सल लैब में फॉन्ट बनाते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको सैम टूल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, इसका क्या यूज़ है, कैसे इसे डाउनलोड करना है, मैं इस पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बात दोस्तों, हमारे 15 के फैमिली मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं सभी फैमिली मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पर इतना भरोसा किया और हमें 15 के फैमिली मेंबर तक पहुँचाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन सैम टूल एप्लीकेशन है। इसका यूज़ होता है कि हमें मराठी या हिंदी फॉन्ट बनाना है, आपके पास सिरिलिपि फॉन्ट है तो आप मराठी या हिंदी कन्वर्ट सिरिलिपि में कर सकते हैं। मराठी टेक्स्ट या हिंदी टेक्स्ट आप सिरिलिपि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कन्वर्ट करने के लिए यूनिकोड का यूज़ करते हैं, पर यह एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है। इससे आप बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकते और कन्वर्ट कर सकते। तो इसका यूज़ कैसे करना है, तो इसका यूज़ करना है आपको यहाँ पे सिरिलिपि कन्वर्टर में जाना है। सिरिलिपि कन्वर्टर में जाने के बाद आपको ऊपर करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट बनाना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं अपना नाम डालता हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ मराठी या हिंदी में ही टाइपिंग करना है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो ये काम नहीं करेगी, आपको सिर्फ मराठी या हिंदी में ही टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कन्वर्ट टू सिरिलिपि में ब्लू वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट जो है तो कन्वर्ट हो चुका है सिरिलिपि में। तो आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको आपके पिक्सल लैब में इसे पेस्ट करना है और आपको फॉन्ट बनाना है। अगर आपको फॉन्ट बनाना नहीं आता तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली सीरीज स्टार्ट की है, उसके अभी तक 6-7 वीडियो अपलोड हो चुके, तो आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है सभी वीडियो की, आप देख सकते हैं। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, आपको अभी इसका यूज़ कैसे करना है पता चल गया है, पर इसे डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी सैम टूल एप्लीकेशन, तो इस लिंक को आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम में आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को क्लिक करना है, इससे आपको कम्प्लीटली क्लियर दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे कम्प्लीटली इसका यूज़ कैसे करना है, इसके कौन ये फीचर कौन सा है, पूरी डिटेल में मैंने बताया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए हो इसे कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइमर मिलेगा, 20 सेकंड तक टाइमर मिलेगा, उसके बाद आपको 20 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद आपको डाउनलोड बटन शो होगा, ऐसा डाउनलोड बटन शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपको कौन से मेल से डाउनलोड करना है। अगर आपके पास 2-3 मेल है तो ये पूछेगा कि कौन से ईमेल से डाउनलोड करना है, आपको मेल सेलेक्ट करना है और ओके करना है। आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लाइक नहीं कर दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।